अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 36। आज के इस लेसन में हम यूज़ करेंगे पोलर एरे क्या होता है। प्रीवियस लेसन में हमने एरे टाइप्स ऑफ एरे कौन कौन से और रेक्टेंगुलर एरे के ऊपर डिस्कस किया था। आज के इस लेसन में हम पोलर एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूँगा। ऑटोकैड को ओपन किया। रेक्टेंगुलर एरे जो होता है आपके पास एक रेक्टेंगल शेप के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इस तरह की शेप हो उसमें आप एरे यूज़ कर सकते हैं, लाइन के ऊपर या रेक्टेंगल के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि पोलर एरे जो होता है एक राउंड शेप के लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल सी एंटर करता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस दिया मैंने। आप यहाँ पे मैं इसके मिड पॉइंट में एक लाइन लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एल एंटर, इस पॉइंट में मैंने एक लाइन लगाई। इस लाइन को मैं मूव करना चाह रहा हूँ, कंप्लीट एक मूव करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं यही लाइन जो है तुम इसको एंटर करता हूँ फिर से। अब इस ऑब्जेक्ट, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मैं मूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पोलर एरे यूज़ करूँगा। तो पोलर एरे के लिए पी ओ एंटर, सॉरी, सबसे पहले आपने एरे यूज़ करना है, ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, पोलर एरे के लिए पी ओ एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। जो ही सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया तो देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आ गया, देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 सारे हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बने हुए आ गए, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास पोलर एरे का फंक्शन। अब इस पोलर एरे में देखो आइटम 6 हैं, तो आप इस आइटम को बढ़ा सकते हैं। आप 2 करना चाहें 2 कर सकते हैं, 3 करना चाहें 3 करना के 3 कर सकते हैं। मैं 3 करता हूँ, देखिए 3 आइटम बन गया आपके पास, आप देख सकते हैं। पोलर एरे 120 का बीच में फासला आ रहा है इनका, 360 एंगल बन रहा है। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाहता हूँ 6 आइटम हो, सिक्स आइटम है और इनका 360 नहीं, इनका होना चाहिए 90 का एंगल होना चाहिए। देखिए 90 के एंगल में बस 6 आइटम आ गए, देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ नहीं, 180 का होना चाहिए, 180 के एंगल में आ गए, देख सकते हैं। 360 के एंगल जब दूंगा तो एक पूरे सर्कल शेप में वापस इंसर्ट हो जाएंगे। रोज 1 है, रोज आप 2 करना चाहें तो आप 2 करेंगे, 2 करें तो देखिए इसके ऊपर हमारे पास आ गया, देख सकते हैं। 3 करते हैं, 3 आ जाएगी, बिटवीन इनका फासला इनके बीच में कितना होना चाहिए और टोटल फासला कितना होना चाहिए। तो ये है जी आपका पोलर एरे का फंक्शन। और पोलर एरे में और भी क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे, अब नंबर ऑफ आइटम आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उसका हाफ आता जाएगा, देखिएगा। रोज में बढ़ाता हूँ, रोज में करता हूँ जी 3, 3 2 आ गई, देखें। तो हमारे पास ये पोलर एरे का इतना ज़बरदस्त फायदा है, आप देखें कोई भी ऑब्जेक्ट बना के आप इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल देखें तो सी एंटर करता हूँ मैं, मैकेनिकल स्ट्रक्चर में जब आप बेयरिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। और इसमें मैं एक सर्कल एंटर करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, इस पॉइंट पर एक सर्कल दे दिया मैंने। और अब इस सर्कल को मैं एरे यूज़ करूँगा, तो ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पोलर के लिए पी ओ एंटर, और सेंटर पॉइंट को, आप सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे, ये सेंटर पॉइंट है इसका, देखिए यहाँ पे आ गए। और यहाँ से इसमें आपने स्पेस, इसका साइज़ ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं आइटम, तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, 15 आइटम करता हूँ, देखिए 15 आ गए हैं, देख सकते हैं। बिटवीन फासला इनमें कितना होना चाहिए, फासला आप दे सकते हैं, फासला मैं कम करता हूँ, मैं चाहता हूँ फासला इसमें से 12, इंटर करें, देखिए फासला इनका 12 आ गए, 24 करते हैं 24 आ जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा फासला 24, तो आप यहाँ से इसका फासला ज़्यादा कर सकते हैं, 30 करता हूँ। थ्री सिक्सटी आप देना चाहें तो आप 360 की जगह 180 करना चाहें 180 कर सकते हैं एंगल। वन एटी आ गए, 360 करते हैं तो 360 आप कर सकें। और रो कितनी होनी चाहिए, रो में 3 करता हूँ, 3 रो के ऊपर आ गया, देख सकते हैं। रो आप 1 ही करना चाहें तो 1 कर सकते हैं। तो 1 रो के ऊपर मैं काम कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास था जी पोलर एरे, और पोलर एरे में आपने दो तीन स्टाइल दिए, दो तीन तरीक़े से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो अब इन्हीं एरे में आप देखें नीचे एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, आइटम, एंगल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एसोसिएटिव हमारे पास सिलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं। डायरेक्शन, रोटेट आइटम की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज डायरेक्शन होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। क्लोज एरे करेंगे तो एरे क्लोज हो जाएगा। तो ये यहाँ था जी हमारे पास पोलर एरे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और आज हमें जितना काम किया एरे के ऊपर, हमने जो जो काम किया आपको सारे काम समझ आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन कमांड को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इन पर काम करें, ताकि आप आसानी से इस पर काम कर सकें। और ताकि आप जब हम 3D पे काम करें या 2D ड्राइंग्स पे काम करें, तो तब आप आसानी से काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस एरे के ऊपर काम कीजिएगा, ताकि आप आसानी से एरे के ऊपर काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।